उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में दशहरा त्योहार और मूर्ति विसर्जन को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा में संपन्न कराने के उद्देश्य को लेकर आज पुलिस अधीक्षक ने जिले भर में भ्रमण कर पुलिस के साथ बैठक कर मूर्ति विसर्जन स्थलों की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लिया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मूर्ति विसर्जन कराने और मंदिरों और पंडालों पर सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की भी सलाह दी। इसके बाद एसपी ने दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों से अपील की शांति एवं सौहार्द पूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं और विसर्जन के दौरान कम से कम की संख्या में ही लोग शामिल हों। कोविड नियमों का 100% पालन कराया जाएगा ताकि कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। आगामी दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहार को देखते हुए ये जनपद भर का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इसमें जो दुर्गा के पंडाल हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ विसर्जन स्थल हैं, जहाँ विसर्जन होगा, मंदिर हैं, उनमें सुरक्षा ड्यूटियाँ कैसी लगी हुई हैं, इस सब का हम लोग जायजा ले रहे हैं और जो आवश्यक निर्देश हैं जिससे कि ये त्यौहार सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, इसके निर्देश जो हैं वो फोर्स को दिए जा रहे हैं। विसर्जन के दौरान सर काफ़ी कुछ चुनौतियाँ होती है, भीड़ भाड़ होता है, काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है? यही बात हम लोगों की हुई है कि विसर्जन जो स्थल है वहाँ पे लोगों के डूबने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे गोताखोर तैराक आदि लगाए जाएँ, बैरिकेटिंग अगर आवश्यक है तो बैरिकेटिंग की जाए, लोगों की संख्या को कम रखा जाए, लोगों से अनुरोध करके कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कम से कम लोग विसर्जन में जाएं, ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं और आशा है हम लोग सकुशल इसको संपन्न कराएंगे। थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।